नीति आयोग की तरफ से टीम आज झारखंड में आई, रांची में आई, हमें बहुत आभार है झारखंड सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने समीक्षा करी, सब बैठे, लंबी बातचीत हुई और इसमें विकास की बात, चहुंमुखी विकास की बात को आगे लेके आए। नीति आयोग का मैंडेट है, ऑब्जेक्टिव है कि राज्यों के साथ मिलकर काम करें और देश में इकट्ठे हो, टीम इंडिया बन के देश का विकास हो, और देश का विकास का तात्पर्य है कि राज्यों का विकास हो, देश का विकास हो। उसके ऊपर ये रेगुलर मीटिंग का सिलसिला है, उसी में आज हम आए और हम आभारी हैं निमंत्रण के लिए। और उसमें जो बातें करी हैं उसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सब सेक्टर्स की बात करी है। स्पेशली अब नीति आयोग की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक सब स्टेट सपोर्ट मिशन SSM मिशन लागू हो रहा है, जिसमें कि जो बिंदु है कि राज्यों को अपनी फ्यूचर की विजन बनाना, सोच बनाना, ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट, ये सब को सोचने के लिए, प्लान करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कैसे एक सिस्टम बने कि वो नीति आयोग के साथ मिलके, बाकी एकेडमिक्स के साथ मिलके अपने अपने राज्य के विकास का ऐसा विजन किया जाए, मॉनिटर किया जाए, पॉलिसी पाथवेज करे जाए। तो ये स्टेट सपोर्ट मिशन नीति आयोग में शुरू हुआ है और उसमें हर स्टेट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जुड़े हैं और उसकी बातचीत हुई। इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम का आदेश दिया है और उसकी शुरुआत फॉर्मली 3 जनवरी को हुई है, जिसके भीतर जो देश के 500 सबसे कमज़ोर ब्लॉक्स हैं वहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट हो, गवर्नेंस को इम्प्रूव करके, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इंक्लूशन और तरक्की, ये सब तरक्की हो। क्योंकि अगर सबसे नीचे वाले 500 ब्लॉक ऊपर आते हैं तो स्टेट की एवरेज बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और देश में ऊर्जा मिलती है। क्योंकि अगर सबसे वाला नीचे जो कमज़ोर है आज, उनकी समस्याओं का समाधान होता है मिलके, जन आंदोलन बना के, अच्छी गवर्नेंस करके, तो देश आगे बढ़ता है। उसके बारे में बातचीत हुई। और इसी प्रकार जो झारखंड सरकार के मुद्दे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में जिसके बारे में बातचीत चल रही होती है, जिसमें जोड़ के, आपस में जोड़ के गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य की सरकार मिलकर जो सोल्यूशन चाहिए, फैसिलिटेशन करें, वो भी एक नीति आयोग का काम होता है, उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो सब तरफ से बहुत ही अच्छे माहौल में सीखने को मिला, आइडिया शेयरिंग हुई, आगे बढ़ने के लिए कंसेंसस हुई और अल्टीमेटली हम सब ने मिलकर सब राज्यों का चहुंमुखी विकास हो, यही सबका विजन है। और आगे अगर और आगे जाए तो 247 में विकसित भारत कैसे बने, विकसित झारखंड कैसे बने, इन बातों को लेके चर्चा का मौका मिला और इसी बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बात किया गया। मैं आभारी हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।